राजस्थानी खाना है, प्लस थोड़ा रेगुलर खाना भी है, वेज भी है, नॉन वेज भी है। इन्होंने कहा हम आपको ना चिकन की रेसिपी दिखाएंगे हमारी फ्रॉम स्क्रैच। हमारा मोटिव है कि कस्टमर को अच्छा खाना मिले और खाना एज ए मेडिसिन हो, ना कि खाना खाने के बाद मेडिसिन खानी पड़े उसको डाइजेस्ट करने के लिए। थ्री टू वन। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, क्या हाल है? जयपुर में हूँ। पता है आपको, ऐसा है कि ये वीडियो थोड़ा अलग है। सो एक कपल है जो यहाँ सर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज डाला था फेसबुक पे व्हाइल अगो दैट शोएब, अगर आपका जयपुर में चक्कर लगे ना, प्लीज़ डू कम। मी एंड माय वाइफ वी रन अ वेरी स्मॉल किचन फ्रॉम आवर होम एंड पीपल लव आवर फूड। अब राजस्थानी खाना है, प्लस थोड़ा रेगुलर खाना भी है, वेज भी है, नॉन वेज भी है। इन्होंने कहा हम आपको ना चिकन की रेसिपी दिखाएंगे हमारी फ्रॉम स्क्रैच। अच्छा जी, सारी प्लेट प्लेट सजाती थी अपने मसालों के साथ, अपने इंग्रेडिएंट्स के साथ, और कह रहे आपके सामने पूरा चिकन खाएंगे और अलग फ्लेवर है दिल्ली से, तो ये अच्छी बात है। यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, वाला सीन है, घर से कर रहे हैं, अच्छा साफ सुथरा काम। समझ रहे हो करना क्या, मिलना है इनके घर, जाना है घर में, मिलना है कपल से, किचन देखनी है, अच्छे से देखनी है मेकिंग, उसका ट्राई कर रहे हैं। घर का खाना अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि देख के पता लग जाता है। वीडियो के अंत तक बन रहना, बहुत पानी आएगा, चले लेट्स गो। अच्छा गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले ना, आपको याद होगा मैंने ना आपसे एक केक कैश ऐप के बारे में शेयर किया था। अब मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, ये कुछ 10 दिन पुरानी बात होगी। मेरे ना दोस्त का बर्थडे था एंड आई हैड टू गिफ्ट हिम समथिंग, तो आई शॉर्टलिस्टेड बियर्डो का गिफ्ट सेट। तो जब मैंने उसकी प्राइसिंग वगैरह देखी तो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा और मैंने सोचा इसमें मैं पैसे कैसे बचाऊंगा, तो मैंने क्या किया, मैंने खोली केक कैश की ऐप। आप मानोगे नहीं, जो प्रोडक्ट मेरे को 2700 का पड़ रहा था वो मुझको पड़ा सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये का। बताऊँ कैसे? पहले तो आप केक कैश की ऐप डाउनलोड करो। मैंने केक कैश की ऐप खोली और मैं गया बियर्डो के स्टोर पे, वहाँ पे ऑफर चल रही थी, मैंने फ्लैट 50% वाला ऑफर लिया, उसमें कूपन कोड कॉपी किया और शॉप नाउ पे क्लिक किया, सीधा सीधा मैं डायरेक्ट हो गया बियर्डो की वेबसाइट पे। मैंने वो गिफ्ट सेट को कार्ट में ऐड किया, कूपन कोड अप्लाई किया, फ्लैट 50% का मुझे डिस्काउंट मिला, मेरी सेल 5 मिनट में ट्रैक हो गई। लकीली उस टाइम ना केक कैश का ना वो न्यू ईयर ऑफर चल रहा था, तो मुझे फ्लैट 350 का कैशबैक मिला जो पेंडिंग स्टेट पे भी आ गया, और विद इन 30 डेज जैसे ही बियर्डो ने वो सेल कन्फर्म करी वो कॉन्फर्मेशन स्टेट पे आ गया आपका कैशबैक। अब देख सकते हो मैंने आज तक ना 14,000 रुपये का कैशबैक अर्न किया है, जो मैंने इजीली UPI के थ्रू अपने अकाउंट में विड्रॉ किया, जो कि बहुत सिंपल है। एंड नॉट जस्ट गिफ्ट्स यार, यू कैन बाय इन मेनी कैटेगरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फैशन हो गया, हेल्थ हो गया, ग्रोसरी हो गया, फूड हो गया, एंड इवन टिकेट्स यार, एंड फ्रॉम लीडिंग ब्रांड्स लाइक Ajio, Myntra, Flipkart, Swiggy, Boat। यानी एक बेनिफिट जो है कि जब भी आप शॉप करेंगे ना, गारंटीड आपको एक कैशबैक आना ही आना है, जो कि आप इजीली UPI, Paytm या बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। अभी डाउनलोड करो केक कैश ऐप, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। हाँ, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड SHOWIT25। गाइस ये गेट पे घुसो और ये देख रहे हो सामने अरोड़ा किचन, तो ये है जी अरोड़ा जी हैं हमारे, जिन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया था। मैं भी अरोड़ा हूँ ना, तो रिश्ता यहीं से तैयार हो गया था हमारा, मतलब बन गया था। है को पता है अरोड़ा कैसे होते हैं? स्कूल में बड़ा बुली करता था मेरे को, शोएब अरोड़ा, आलू का पकौड़ा, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। एनीवे ऊपर चलते हैं यहाँ से। ओके, सेकंड फ्लोर पे जाना है फर्स्ट। हाँ जी, राम राम जी, कैसे हैं? वेलकम जी, वेलकम वेलकम। हेलो मैम, कैसे हैं? ठीक ठाक है? बहुत बढ़िया, शानदार। शुक्रिया इनवाइट किया आपने, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोगों को ना इंट्रो में बता रहा था कि कैसे आपने मैसेज डाला और कैसे बात बन गई, और आपने अभी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। अरे नहीं नहीं, और प्रोस्पेक्टिंग जो नए कस्टमर्स है उनके लिए समय निकालता तो ब्लॉगर बहुत अच्छा, अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छी चीज दिखानी है कि नहीं है? चले किचन चले, बिल्कुल चले। थैंक यू वेरी मच, हमें बुरा लग रहा है घर आ गए आपके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छा ये यहाँ पे अपने सारा कुछ तैयार कर रखा है? हाँ तैयार कर रखा है, ताकि आपका समय भी बड़ा कीमती है। अच्छा, तेज पत्ता, साबुत धनिया हो गई, ब्लैक पेपर हो गया, लौंग हो गई, इलायची हो गई, बड़ी इलायची हो गई, सब कुछ जावित्री वगैरह है। वेरी गुड, ये इंग्रेडिएंट्स देख लो, ये सारे यूज होंगे, आपको मेकिंग के टाइम पता चल जाएंगे। अच्छा जी, और यहाँ पे आपके धनिया और प्याज वगैरह। हाँ जी है, वेरी गुड। और अच्छा यहाँ पे चिकन कर रखा है जी? हाँ जी। क्या बात है, अच्छा बड़े बड़े पीसेस प्रॉपर हैं। ये मैरिनेट करके रखते हो अपनी गाड़ी के लिए? बिल्कुल। अच्छा क्या स्पाइसी होगा, नॉन स्पाइसी होगा? थोड़ा सा स्पाइसी टच होगा, राजस्थान में क्योंकि स्पाइसी पसंद करते हैं तो हल्का स्पाइस चलेगा, और थोड़ा सा पंजाब का टच भी आएगा, मिठास का भी। अच्छा चलो वेरी गुड। और ये? ये सरसों का तेल है, हमने गर्म करके प्रीहीट करके पहले रखा हुआ है। अच्छा, और सरसों का तेल भी हम ऑर्गेनिक यूज करते हैं, हमारे
ये जो मसाले हैं दही में हमने करके रखे हैं, मसाले जलते नहीं है ऐसे करने से। अच्छा। या तो आप दही यूज नहीं करते तो पानी में भी कर सकते हैं। ये रेड चिली पेस्ट है और ये हमारा सीक्रेट मसाला जिसको कह सकते हैं वो है, जो टैंगीपन और एक स्पाइसी फ्लेवर भी देगा। ये सीक्रेट मसाला, चलो चालू करें बनाना इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। साथ साथ विजय वेज भी दिखा देंगे। ये गई इलायची, ये गई काली मिर्च, वेरी गुड, ये तेज पत्ता, ये जावित, ये फूल, सारे मसाले और डोडा इलायची। बहुत बढ़िया। अच्छा, तोड़ के अच्छे से, तोड़ के अच्छे से ताकि उसका फ्लेवर निकल के बाहर आए। बहुत बढ़िया। आराम से प्याज को पकाओगे हैं। कितना प्याज गया लगभग? 350 ग्राम के लगभग प्याज है। और ये 1 किलो चिकन बन रहा है? 1 किलो हरी मिर्च गई है साथ में। यस। तो अब जैसे आप जयपुर बैठे हो, हाँ जी, नॉलेज के लिए, फ्लेवर डिफरेंस होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपके सीक्रेट मसाले तो मैंने देखे अभी। ज्यादा कुकिंग आप करते हैं, मैम करती हैं? मैडम वेज की कुकिंग करते हैं सारी, नॉन वेज सिर्फ मैं ही बनाता हूं और अच्छा नहीं करता हूं। वेरी गुड। टमाटर, टमाटर, ये छिला हुआ टमाटर? यस, क्योंकि छिलका गलता नहीं है और जाके नुकसान करता है। और स्टोन का बहुत बड़ा कारक होता है, इसलिए हम टमाटर जब भी यूज करते हैं तो छिलका उतार के करते हैं। सिर्फ एक ही टमाटर जाते हैं इसमें? हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि हम दही का भी यूज कर रहे हैं। अच्छा। तो अगर दही यूज ना करें तो फिर टमाटर दो डाल सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे वेजिटेरियन तैयार है जी। दिखा दो जी मैम मेरे को। ये है राजमा। अरे वाह, राजमा घर के? हाँ। चलो, जो दिल्ली से आया है उसको राजमा बड़े पसंद आते हैं। कोई नहीं, मुझे थोड़ा निकालेंगे करछी हल्का सा दिखाने के लिए। भाई जब तक प्याज भून रहे हैं ना, वेज दिखा दो जो तैयार किया हुआ है। सो ये हो गए राजमा, वेरी गुड। ये बैंगन का भरता। अच्छा, मटर डाल के अच्छे से हैं, वेरी गुड। अच्छा, आप सारा वेज देखते हैं? सो घर से डिलीवरी है। सो गया कढ़ाई पनीर पूरा शिमला मिर्च होगा और वो होगी दाल, ठीक है। बस वापस चिकन पे आ रहे हैं, हल्का सा बस वेज दिखा दे। इतनी मेहनत की है और अच्छे से बनाया तो दिखाना बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है। और ये बैक टू कुकिंग। प्याज पक रहे हैं अभी, बट वैसी बात कर रहा हूँ ना, मैंने देखा खाने के बिजनेस में ना, बिजनेस से ज़्यादा आदमी खाने में इंटरेस्टेड होता है, बनाने में भी और खिलाने में भी, तो दैट्स वेरी एक्साइटिंग। हाँ जी, अब जाएंगे इसमें गर्म मसाला, धनिया, मिर्ची, जीरा पाउडर और दूसरे मसाले। इसका पेस्ट बनाया, इसका पेस्ट दही के साथ मिक्स करके बनाया। इससे ये फायदा होता है कि मसाले जलते नहीं है और पेस्ट पूरा बरकरार रहता है आखिर तक। अगर आप दही यूज नहीं करते तो आप पानी में भी डाल के यूज कर सकते हो। जो आपने सब सुना है ना, इसका इजीली पेस्ट बन सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। और चाहो तो आप हल्का सा अगर फ्यूजन देना चाहते हो तो अपने मसाले डाल सकते हो, बट पेस्ट बनाने का मतलब ये है कि मसाले जलते नहीं है, अच्छे से घुल मिल जाते हैं। यस। कितने सालों से करें कुकिंग? कुकिंग कमर्शियली तो हमने सितंबर से चालू करा है। अच्छा। वैसे तो मैं बचपन से ही बना लेता हूँ। हाँ, वेरी। अच्छा, मेन प्रोफेशन पूछ सकता हूँ आपका यही है कि? नहीं, मेन प्रोफेशन मेरा, मैं 25 साल कॉर्पोरेट जॉब में रहा हूँ। मैंने हिंदुस्तान लीवर, एयरटेल और टाटा डोकोमो और गॉडफ्रे फिलिप्स जैसी कंपनियों में सीनियर लेवल पे काम किया है। फिर टाटा डोकोमो जब बंद हुई तो उसके बाद बिजनेस चालू किया, अपना रिटेल स्टोर खोला बहुत बड़ा। अच्छा। 30x70 का स्टोर था। तो समाओ कोरोना के बाद हमें वो स्टोर बंद करना पड़ा लॉसेस के चलते। ये जो ड्राई फ्रूट्स है यहाँ पे, ये इनको भी ब्लेंड करना है या ये भी? ये भी इसी के साथ ब्लेंड होंगे मसाले के। अच्छा, साथ अभी ये मिक्सी में जाएगा? अभी मिक्सी में जाएगा ये। अब ये ब्लेंड होगा। अच्छा, अब ये ब्लेंड होगा, इसमें ड्राई फ्रूट भी जाएगा। हो गया जी तैयार? बिल्कुल जी। चलिए, सारा पेस्ट आ चुका है, वापस उबाला चालू। और अब जा रहा है हमारा लाल मिर्च का पेस्ट। स्पाइसी है, स्पाइसी पहले सरसों में, फिर स्पाइसी है। हरी मिर्च मैंने जाते पहले देखी थी। ये हमारा सीक्रेट मसाला है। अच्छा, ये भी जा रहा है सीक्रेट मसाला और आपकी सीक्रेट सॉस। यस। एक सेकंड, 10 से 15 मिनट में पकने दो। स्पाइसी खाना बड़ा पसंद है। यस, राजस्थान में स्पाइसी इसलिए खाते हैं ना कि आपका बॉडी के अंदर की हीट भी उतनी रहनी चाहिए जितनी बाहर है, अदरवाइज आप गर्मी सहन नहीं कर पाओगे। अच्छा। मैं भी जब पंजाब से यहाँ पे आया था तो मैं जैसलमेर जाता था, जैसलमेर देखता लोग अकेली लाल मिर्च के साथ चपाती खाते थे, अकेली लाल मिर्च चूरा की हुई। तो मैं उनसे पूछा कि लाल मिर्च के साथ कैसे, वो भी पाव भर ऐसे कुप्पा भर के। आप चिकन की बारी है, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हमने उसने अदरक लहसुन नहीं डाला था, तो अब हमने अदरक लहसुन इसमें मैरिनेट किया हुआ, इसलिए नहीं डाला था कि डबल ना हो जाए। अच्छा, इसमें तो इसी में आपका ऑलरेडी है।
अच्छा, तो लहसुन अदरक से मैरिनेट करके मसालों के साथ हल्के, और थोड़ा सा दही के साथ और सरसों के तेल के साथ मैरिनेशन है, थोड़े से स्पाइसेस भी लगे हुए हैं। ऑर्डर्स भी किचन बड़ी अच्छी रखी हुई है। बिल्कुल सर, अच्छा रखेंगे। हमारा मोटिव है कि कस्टमर को अच्छा खाना मिले और खाना एज ए मेडिसिन हो, ना कि खाना खाने के बाद मेडिसिन खानी पड़े उसको डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए हम सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। ये तो कोट ऑफ द व्लॉग हो गया, आप कह सकते हैं सर। अब इसमें टमाटर जाएंगे, फाइनली एक सिंगल टमाटर बिना छिलके का, क्योंकि हमने दही मैरिनेशन में भी डाला था, दही का मसाले में भी डाली थी, तो इसलिए टमाटर एक ही किया। पंजाबी है वो भी, ये रिकॉर्ड हो गया। मुझसे ना पूछे जा रहे हैं सर कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ पर्सनल बातें भी कर रहे हैं मुझसे, कह रहे वो मत करना रिकॉर्ड, मैं क्या सब कुछ रिकॉर्ड होगा। तो देखो इस तरह से काम हो रहा है, मैम और सर लुभा गए। नमक, अब नमक जाएगा फाइनली स्वाद अनुसार। अब इसमें फाइनली पानी जाएगा, डालो पानी, आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, कितना मसालेदार कितना पतला। नॉर्मली मैं इस तरह से बना के देता हूँ कस्टमर को कि वो रोटी के साथ खाना चाहे रोटी के साथ खा ले, या चावल के साथ चिकन करी खाना चाहे तो वो भी हो जाए। और शाम वाले काम के साथ वो तो बल्ले बल्ले फिर जी। अच्छा, देखते हो वीडियो मेरे आप बाय चांस? बिल्कुल जरूर देखता हूँ जी, आपको बहुत फॉलो किया तभी आपको बुलाया है मैंने। आपने कभी सुना SWK शाम वाला काम? गाइस ये चिकन हो गया ऑलमोस्ट डन, और ये जा रहा फाइनल टच ऑफ धनिया। ऑलराइट गाइस, तीन प्लेटें लगाई हैं जैसे बताया, एक फेसबुक के लिए, एक मैं और सर अभी बाद में खाएंगे वीडियो जब कैमरा हट जाएगा, बाकी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। राइस दिए, रोटी पूछ रहे थे खानी है, मैं कह नहीं यार राइस का खाएंगे, तरी देख के दिल खुश हो गया। हाँ जी चावल डालते हैं। मैंने वो टेबल शिफ्ट करा ली, अभी सर ने वहाँ रखने लगे थे, टेबल शिफ्ट करा ली, वो ना बहुत गैप आ रहा था मेरे में और खाने में, तो विच इज़ वाई। एनीवे चिकन एंड राइस, वाह जी वाह। हैं तीन चिकन इसलिए बिकॉज एक फेसबुक का वीडियो भी बनाना है ना। हाँ जी आ जाओ जी आ जाओ, ये देख लो चावल है, जीरा डाल के ये लो जी, अच्छे लग रहा, वाह जी वाह। हैं और लेते हैं चिकन, पहले तो तरी की कंसिस्टेंसी देखो, ये देखो जी पतली है, ये पीस डाला ऊपर चिकन के और ग्रेवी डाल देते हैं। सो प्रॉपर घर का बना हुआ, एक दो सीक्रेट चीज़ें जो सर ने ऑनेस्टली डिस्क्लोज नहीं करी, जो उनको अलग बनाता है बाकी नॉर्मल करीब से। बात करते थे, पानी आ रहा है दबा। हाँ जी खालू जी, जरूर सर जरूर, वेरी गुड, आराम से तसल्ली से। क्या बोलते क्या उसको, सिंपल चिकन करी? वेरी गुड। हाँ जी आ जाओ, ये लेग पीस पका हुआ अच्छे से अंदर है, साइज इज वेरी डिसेंट चिकन का राइस के साथ। अब जिसको मिर्ची वाला खाना पसंद है ना वो तो पक्का एंजॉय करेगा, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स बात कर रहे थे। राइट, 3 2 1 सब्सक्राइब, लेट्स गो ऑन। मज़ा आ गया, घर का नहीं खाना होता, घर का चिकन माँ के हाथ का बना हुआ, बड़े बुजुर्गों के हाथ का बना हुआ, हाथों की शफा, पुराना तजुर्बा, सिंपल रेसिपी येट वेरी एलिवेटेड। जितना स्पाइसी लग रहा था उतना है नहीं, इट्स वेरी ओके फॉर मी, बट दैट डज नॉट मीन वो आपके लिए भी ओके हो, कई लोग बहुत कम स्पाइसी खाते हैं, मेरे लिए इट्स नाइस। व्हाट आई रियली लाइक इज द कंसिस्टेंसी, द टेक्सचर ऑफ ग्रेवी, मतलब चावल के साथ एप्ट है और रोटी के साथ भी चलेगा। एंड यू नो आई रियली वॉन्ट टू सपोर्ट पीपल जो दिल से मेहनत कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। मुझे बहुत लोग फ़ोन करते हैं कि हमारा वीडियो बनाओ ऐसे करो, मैं ना सिर्फ देखता हूँ जरिया उनका बनाने का तरीका। कई लोग बहुत कमर्शियली काम करते हैं, कई लोग ऐसे घरों से भी चालू करते हैं, इंसान को क्या चाहिए, अच्छा खाना वो कहीं से भी, इट डजंट मैटर, है कि नहीं है। एनीवे एक चीज़, जब आप ऑर्डर करें अपना स्पाइस लेवल बताएं किस तरह खाते हैं, मेरे दिस इज़ परफेक्ट, बहुत तीखा चाहिए तो स्पेशल रिक्वेस्ट कर देना। हाँ बात करते, मन नहीं कर रहा बात करेंगे आप लोगों से यार। आपने रेसिपी देख ली, मेरी टेस्टिंग देख ली, एक छोटा सा वीडियो था दिखाना था आपको, देख के मज़ा आया होगा, जितना खाता खाता हूँ, बाकी
पैक नहीं कराता, यहीं खाऊंगा, फिर मिलता हूँ आपसे। पेट भर के खा लिया। थैंक यू जी। थैंक यू जी। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमें मौका देने के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वीडियोस देखते थे, आपने अच्छी रिक्वेस्ट की और मैं सही बताऊं, मेरा मन भी था अच्छा खाना दिखाने का। ठीक है जी, जयपुर में जगह है अरोड़ास किचन। स्क्रीन पे तो नंबर नहीं आया होगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप फोन करके ऑर्डर कर लीजिएगा। आई थिंक यू विल लव देयर फूड। पीछे देख रहे हो द कपल, वंडरफुल पीपल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। और खाना हो तो ऐसा हो यार, घर वाला, मजा आया खा के, हल्का स्पाइसी। एनीवे, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, ग्रो। अभी तक पानी आ रहा है। इंस्टाग्राम पे रोरा शोएब एंड फेसबुक पे शोएब रोरा व्लॉग्स लिखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए। दैट विल बी इट, बहुत जल्द मिलूंगा। अंटिल देन टेक केयर, हैव फन।